हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, सीआरपीएफ की नौकरी निकल चुकी है। फ्रेंड्स, 2020 के लिए बम्पर भर्ती है 1412 पदों के लिए। तो जो बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते हैं और जिनको सेना की नौकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वीडियो उनके लिए बनाया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने के बाद, डिटेल के बाद ही मैं कोई अच्छी वीडियो आपके पास लेके आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देख सकते हो, सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट निकाला गया है 2020 के लिए। 1412 पोस्ट इस फॉर्म में है और एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट हो चुका है। मैं बता दूं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब से कब तक है। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए है, तो डिटेल में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, पोस्ट का नंबर ऑफ पोस्ट देखिए फ्रेंड्स, 1412 पोस्ट। पोस्ट का नाम देखिए, हेड कांस्टेबल। ठीक है, देखिए, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1331 पोस्ट रखे गए हैं, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 81 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1412 पोस्ट। जनरल एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है, जनरल एससी एसटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल की बात करें तो सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2020 की जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया दे रखी है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है, इसका जो पे स्केल आप देख कर चौंक जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक पर मंथ आपको मिलने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कैंडिडेट्स एज लिमिट शुड बी 18 ईयर्स से लेके 32 वर्ष होना चाहिए आपका। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें फ्रेंड, तो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होगा जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एससी एसटी का 5 वर्ष, ओबीसी का 3 वर्ष। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग, जब नीचे आएंगे डिटेल्स में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैंडिडेट्स वो हैं जो कि 170 सेंटीमीटर चाहिए, हिल एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 165 सेंटीमीटर चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट रीजन कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको 165 सेंटीमीटर होने से होगा। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें फ्रेंड, तो फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 157 और हिल एरिया कैंडिडेट्स के लिए 155। चेस्ट के बारे में बात करें फ्रेंड, तो 80+5 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो रनिंग है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स। 100 मीटर का जो रेस है आपको 16 सेकंड में ख़त्म करना होगा, और 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 किलोमीटर का जो है इसमें आपको 6.30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अर्थात 6.5 मिनट देंगे। लॉन्ग जंप 12 फीट का होगा, जो कि 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप्स का देखिए फ्रेंड, 3 फीट का है, 9 इंचेस का है, जिसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। सेम कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें फ्रेंड, तो इनको 100 मीटर का जो रेस है वो 18 सेकंड में क्रॉस करना होगा। 800 मीटर की जो रेस है 4 मिनट में क्रॉस करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है 9 फीट इन 3 चांसेस में कवर अप करने होंगे। हाई जंप्स में देखिए फ्रेंड, 3 फीट 3 चांस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब कैंडिडेट्स जो भी पास्ड हैं, 12वीं पास, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, उससे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगी वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का 6 मार्च रखा गया है। रिटन एग्जाम डेट जो है ना आपका 19 अप्रैल 2020 रखा गया है। अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है। पोस्टल एड्रेस से आपको फॉर्म भेजने हैं। कहाँ भेजने हैं फ्रेंड्स? डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच, ईस्ट ब्लॉक 07, लेवल 4, सेक्टर 1, आरके पुरम, पुरम, न्यू दिल्ली 110066। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ठीक है, इसको ऑफलाइन भरना है आपको। ठीक है, ऑफलाइन भरना है आपको, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स देखिए फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना कैसे फॉर्म फिलअप करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल के देख लेते हैं, तो मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं लोड करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए एप्लीकेशन, अब हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बगलर माली पेंटर ऑफ द फोर्स ऑफ द फॉर द ग्रुप सी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन अर्थात LDC 2019 एज पर MHA स्कीम। ठीक है, इश्यूड वाइड 0O UO नंबर दिस एंड स्टैंडिंग ऑर्डर दिस।
एंड इट्स अडेंडम अमेंडमेंट इश्यूड वाइड लेटर नंबर दिस रिएक्टर नंबर जो है ना डेटेड दिस द पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइक टू बिकम परमानेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जनरल एससी एसटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, मेल का फीमेल का जनरल एससी एसटी ही है, टोटल 1412 पोस्ट हैं। वैकेंसीज मेंशनड अबव में इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी स्टेज, जो बताया जा रहा है कि आपका जो वैकेंसी है वो किसी टाइम में ये बढ़ सकता है या घट भी सकता है। अकॉर्डिंग टू द पे 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको 25,500 से लेके 81,100 तक प्लस अलाउंस लाइक डीए एचआरए सीसीए एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर रूल्स, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स आपको इस पीडीएफ के तहत मिल जाएगी, तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ हम आएंगे, और ऐसे ही आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम चाहे वो कोई भी स्टेज से हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सबकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।